एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि नायर साहब व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रॉन्ग हायरिंग, अगर हमने गलत आदमी को हायर कर दिया तो क्या कीमत चुकानी पड़ती है रॉन्ग हायरिंग का, यू नो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रॉन्ग हायरिंग, शुड एंटरप्रेन्योर्स टेक पार्शियली सूटेबल कैंडिडेट सिंस दे आर अनेबल टू फाइंड द राइट मैच फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो बोलते हैं सिंस अच्छे आदमी मिल नहीं रहे हैं तो क्या ठीक ठाक एक मिडिल रूट आदमी को लिया जा सकता है। देखिए ये तो कैच 22 सिचुएशन है कि यू नो अच्छे आदमी मिलते नहीं। पहले तो मैं हमेशा ये सोचता मैं खुद अच्छा हूँ क्या, तो द आंसर इज यू नो एंटरप्रेन्योर बोलता जरूर है और वहाँ के जीएम भी बोलते हैं अच्छे आदमी मिल नहीं रहे। पहली बात तो क्या वो जीएम और एंटरप्रेन्योर अच्छा है, क्या वो जीएम और एंटरप्रेन्योर पढ़ाई लिखाई कर रहा है, कंटिन्यूसली अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली चैलेंज ले रहे हैं, कंटिन्यूसली अपने आप में परिवर्तन और ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। अगर वो जीएम और एंटरप्रेन्योर कंटिन्यूसली पढ़ाई लिखाई करके अपने नॉलेज को डेवलप कर रहे हैं, अपने एटीट्यूड को बदल रहे हैं, अपना स्किल्स को नया तरीके से फॉर्म कर रहे हैं, नई आदतें फॉर्म कर रहे हैं, नई स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, वो बहुत क्रिएटिव है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो आदमी को देख के एक 50% आदमी भी डेवलप हो सकता है। लेकिन अगर आपने 50% कैपेबल वाला आदमी लाया और आप खुद डेवलपमेंट ओरिएंटेड नहीं है, आप खुद ट्रांसफॉर्मेशन ओरिएंटेड नहीं है, आपके पास आइडिया नहीं है कि वो कैसे करे, तो ये 50% वाले को ला के आप ट्रांसफॉर्म भी तो नहीं कर रहे। तो अगर ये आदमी को 50 से 100 पे जाना है तो आपको वो काम करना पड़ेगा। तो ज़्यादा काबिल आदमी को नहीं लाएगा तो भी काबिल तो बनाने का काम आपका ही है, इससे अच्छा या तो एब्सोल्युटली काबिल को लाओ। अब एब्सोल्युटली काबिल आदमी आएगा तो वो पैसे ज़्यादा मांगेगा, तो पैसे उसको देना पड़ेगा, आप उसको दीजिए पैसा, क्योंकि अगर आपने पैसा दिया तो जो आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन का काम नहीं आ रहा है, आपको जो डेवलपमेंट का काम नहीं आ रहा है, वो काम को उसकी ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही यू नो एकदम टॉप का आदमी है, उसको अपना क्षेत्र का पूरा नॉलेज है, अपना पूरा अंडरस्टैंडिंग है। देयरफॉर काबिल आदमी को लाओ और फिर उसको डेवलप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कम टाइप के आदमी मिल रहे हैं क्योंकि बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रहा, तो भी ट्रांसफॉर्मेशन का काम तो करना ही पड़ेगा। अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम करने के लिए रेडी है तो 50% आदमी को ला के उसको 100% बनाइए, या तो 100% आदमी को लाइए, दोनों चॉइस आपके पास है। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रॉन्ग हायरिंग, रॉन्ग हायरिंग का मतलब है कि उसको मतलब रॉन्ग हायरिंग का ये भी मतलब है कि आपने उसको एक डिपार्टमेंट के लिए लिया जो इस डिपार्टमेंट का काबिलियत ही नहीं है उसमें। आपने उसको परचेस में लिया, उसने बाप जन्म में परचेस नहीं किया। आपने उसको सेल्स में लिया, उसको सेल्स से घृणा है। आपने उसको आईटी में लिया, उसको कंप्यूटर से नफरत है, कैसे चलेगा। देयरफॉर आपको ऐसा आदमी लोगों को लेना पड़ेगा, दोज़ हू लव टू डू दैट जॉब एंड दोज़ हू डू इट बेस्ट, जिसको बोलते हैं ना डिस्टिंक्ट फोर्टे। हर आदमी के अंदर एक स्पेशल एबिलिटी होती है और वो स्पेशल एबिलिटी वाला वो काम के लिए जो स्पेशल एबिलिटी है, जैसा सेल्स का काम है तो लोगों को मिलना बैठना, अनसर्टन चीजों में हाथ डालना, कम्युनिकेशन, एक्सट्रोवर्ट होगा तो उसे वो काम अच्छा लगता है। उसको पकड़ के अगर अपने अंदर डाल दिया तो भी तो आपने हायरिंग ही गलत कर दिया है। और रॉन्ग हायरिंग का तो बहुत बड़ा कीमत होता है, बिकॉज आपने 10 जन को देखने के बाद एक को लिया रहता है, वो आदमी फिर एक महीने में छोड़ के चला जाता है। उसके जाने की वजह से उसने यहाँ यहाँ पर भी जो भी परिवर्तन किया उसमें कंपनी के अंदर की डामाडोल सिचुएशन हो सकती है। एंड देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ रॉन्ग हायरिंग इज वेरी वेरी हाई, अवॉइड इट। Entrepreneurs take partially suitable candidate since they are unable to find the right match for their organization. कोई बात नहीं, अगर transformation की क्षमता capability या इच्छा है आप में तो आप लीजिए वैसा, और अगर आप में वो क्षमता और ability नहीं है transform करने के लिए तो दूसरे बाहर से आदमी को लाइए और इसको transform कीजिए। उसको एक teacher दीजिए, consultant दीजिए, coach दीजिए, या उसको कोई program में भेजिए, कोई CD दीजिए, कोई audio दीजिए, कोई book दीजिए, कोई संस्था में भेजिए, कोई coach रखिए उसके लिए, लेकिन उसके ऊपर काम करना पड़ेगा या फिर तैयार आदमी को लेना है, नहीं तो बहुत पैसा, बहुत टाइम, बहुत एफर्ट जाएगा और यह हम SME के लिए बिल्कुल बहुत भारी पड़ेगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।